Hello everyone, my name is Sumit and welcome to Education. In this particular video, I am going to discuss all about the states and union territories of India. और जितने भी states और union territories के related details हैं, मैं यहाँ बता दूंगा. जैसे उनके CM कौन है, governor कौन है, उनके art and culture के बारे में बताऊंगा. जैसे कि ये यहाँ दिया हुआ है, इनके district कितने हैं वो बताऊंगा, language जो होंगे. और miscellaneous में मैं वहाँ जितने भी important national park हैं या wildlife sanctuaries हैं, मैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस कर दूंगा. और ये वीडियो मैंने एक मर्ज करके बनाया है क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है एग्जाम्स में. जैसे कि टिस्नेट और सीमेट बहुत ही नियर बाई हैं अभी, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ स्टेट नंबर 1, दैट इज आंध्र प्रदेश. और इसकी राजधानी है अमरावती. और इनके जो करेंट सीएम है वो है YS जगमोहन रेड्डी. और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन. और यह स्टेट फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1956 में. और इसमें कुल 13 डिस्ट्रिक्ट है. और इसे राइस बॉल भी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ इंडिया. और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट डांस है वो यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि कुचिपुड़ी. बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, ये कौन सा इम्पोर्टेंट डांस है, वो किस स्टेट का है, तो वो है कुचिपुड़ी, दप्पू और यहाँ पे कोलट्टम. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और जो फेस्टिवल्स यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट है वो है रोटेला पांडुंगा, ब्रह्मोत्सवम, और ये भी आप देख लीजिएगा. तो जो और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो है ओडिशा, यहाँ पे, यहाँ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यहाँ कर्नाटका, साउथ में तमिलनाडु, और यहाँ बे ऑफ बंगाल है. और यहाँ की एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो भी आ सकता है, कलमकारी पेंटिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश. और इसकी राजधानी है ईटानगर. और इसके जो करंट सीएम है वह है पेमा खांडू. और गवर्नर है बीडी मिश्रा. और यह स्टेट फॉर्म किया गया था 20 फरवरी 1987 को. और कुल इसमें 25 डिस्ट्रिक्ट हैं. और इसके जो इंपॉर्टेंट डांस है वह है रोपी, अजीलांबू, और ये जो दिए हैं चालो, हिरी खानी, पोपेर. और यहाँ जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है लोसर फेस्टिवल, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप. और इसे लार्जेस्ट अमॉन्ग द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है. और 7 सिस्टर स्टेट जिसे बोला जाता है वो होते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. और यहाँ पे मैं मैप के द्वारा बता देता हूँ कि कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स हैं इसके. यहाँ पे जैसे भूटान आ जाता है, यहाँ चाइना हो जाएगा, यहाँ नागालैंड, म्यांमार, और यहाँ आसाम. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा नेबरिंग कंट्री या नेबरिंग स्टेट्स है. और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है इंडिया में कोई भी स्टेट के हिसाब से चाइना के साथ, लगभग 1129 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ. और ये क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश. तो नेक्स्ट देखते हैं असम. और इसकी राजधानी है दिसपुर. और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 1986 में. और इसके जो करंट सीएम है वो है हिमांत बिस्व शर्मा. और गवर्नर है जगदीश मुखी जी. और यहाँ कुल 34 डिस्ट्रिक्ट है. और जो यहाँ के इम्पोर्टेंट डांस है वो है बिहू और सतारिया. और भी मैंने यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे नाग डांस, खेल गोपाल, ये सब आप देख लीजिएगा. और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है अम्बुबासी फेस्टिवल और देहिंग पतकाई फेस्टिवल, ये सब दिए हुए हैं, देख लीजिएगा. अरे पोराग भी है. और इनके जो नेबरिंग स्टेट्स या कंट्रीज हैं मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे भूटान हो जाता है, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ मेघालय, त्रिपुरा, और यहाँ बांग्लादेश, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाता है. और यहाँ की जो फेमस नेशनल पार्क है वो मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क.
जो वन हॉर्न राइनोज होते हैं उनके लिए ये फेमस है बहुत, और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। और दूसरा है यहाँ का मानस नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे मैंने डांस छोड़ दिया था, वो मैं बता देता हूँ, भाव ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है असम का। तो देखते हैं नेक्स्ट, बिहार, और इसकी राजधानी है पटना, और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 1912 में, और यहाँ कुल 38 डिस्ट्रिक्ट है, और इसके जो करंट सीएम है वो है नीतीश कुमार, और गवर्नर है फागू चौहान, और यहाँ जो इम्पोर्टेंट डांस है वहाँ के वो है जाट जाटिन, भाको भाकिन, विदेशिया। विदेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। और जो इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है छठ, बिहुला, और मधुर सावनी, और राजगीर डांस फेस्टिवल, तो ये देख लीजिएगा। और यहाँ की फेमस पेंटिंग है वो है मधुबनी पेंटिंग, और एक है पटना कलाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो मेन लैंग्वेज बोला जाता है वो है हिंदी और उर्दू, और ये इनके नेबरिंग स्टेट्स हैं वो है नेपाल, यहाँ वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यहाँ यूपी, और यहाँ झारखंड। तो ये है बिहार का मैप। तो देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़, और इसकी राजधानी है रायपुर, और ये फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 2000 को, और इसके जो करेंट सीएम है वो है भूपेश बघेल, और गवर्नर है अनुसुईया उइके, और जो यहाँ के इम्पोर्टेंट डांस है वो है पांथी, राउत नाच, और भी दिए हुए हैं जैसे चंदाइनी, और जो फेमस फेस्टिवल है वो है बस्तार दशहरा मदाई फेस्टिवल। और यहाँ कुल 32 डिस्ट्रिक्ट हैं आपको, और जो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है छत्तीसगढ़ी और हिंदी, और इनके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ यूपी होगा, यहाँ झारखंड, यहाँ उड़ीसा, यहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और यहाँ मध्य प्रदेश। तो ये इनके नेबरिंग स्टेट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल और यहाँ पे जैसे मदाई फेस्टिवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एक देख लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, गोवा, और इसकी राजधानी है पणजी, और जो यहाँ के करंट सीएम है वो है प्रमोद सावंत, और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, और जो यहाँ के इम्पोर्टेंट डांस है वो है घोड़े, झागोर, खोल, दाकनी, और जो फेमस फेस्टिवल है वो है मांडो फेस्टिवल, फीस्ट ऑफ थ्री किंग्स, सनबर्न फेस्टिवल, और भी बहुत है यहाँ पे। और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 1987 में, और यहाँ दो डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कोंकणी। और ये आता है कर्नाटका, यहाँ पे नेबरिंग स्टेट्स में, और यहाँ पे महाराष्ट्र। तो देखते हैं नेक्स्ट, और एक यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही फेमस है, वो मैं बता दे रहा हूँ, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक बार देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं गुजरात, और इसकी राजधानी है गांधीनगर, और इसके जो करेंट सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और ये फॉर्म किया गया था 1960 में, 1 मई 1960, और यहाँ टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है, और जो फेमस डांस है यहाँ का वो है गरबा, भवाई और डांडिया रास, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फेस्टिवल यहाँ की जो फेमस है वो है नवरात्रि, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल, होली तो बहुत ही कॉमन है लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये नवरात्रि और मोधेरा डांस फेस्टिवल देख लीजिएगा। और इनके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो यहाँ राजस्थान हो जाता है, यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव इधर हो जाएगा, और ये अरेबियन सी होता है।
और इधर पाकिस्तान का प्रोविंस आ जाता है। और यहाँ का जो फेमस नेशनल पार्क है वो है गर गर नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा एग्जाम में। और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की ही, लगभग 1600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। तो ये भी आता है कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है इंडिया में, तो आपका आंसर होगा गुजरात। तो नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा, और इसकी राजधानी है चंडीगढ़, और स्टेट फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1966 में। और इसके जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर है बांद्रे धतरेया। और यहाँ कुल 22 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ की जो फेमस डांस है वो है गाओ, गागोर, खोर और गुग्गा, यही सब यहाँ के फेमस डांस है। और जो फेमस फेस्टिवल है वो बैसाखी, सूरजकुंड, क्राफ्ट मेला। और जो इनके नेबरिंग स्टेट है वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे यूपी, दिल्ली और यहाँ पे राजस्थान। तो नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी है शिमला, और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 1971 में। और यहाँ कुल 12 डिस्ट्रिक्ट है। और इसके जो करंट सीएम है वो है जयराम ठाकुर, और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, और जो फेमस डांस है वो है झोरा, झाली, झारगी, नाती, दांगी। और जो फेस्टिवल है वो है कुल्लू दशहरा, ज्वालामुखी फेयर। और इसके जो नेबरिंग स्टेट है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ तिब्बत, चाइना यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पंजाब, यहाँ हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। देखते हैं नेक्स्ट झारखंड, और इसकी राजधानी है रांची, और इसके जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन, और गवर्नर है रमेश बायस। और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 2000 में, और यहाँ कुल 24 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ के जो फेमस डांस है वो है बिदेसिया, दांग, झिटका, सरहुल, सोहराई और एक और है यहाँ पे छाऊ। और जो फेमस फेस्टिवल है वो है टूसू फेस्टिवल, सरहुल, करम, बांदा, रोहिणी, भागता परब। और इसके जो नेबरिंग स्टेट है वो यहाँ पे बिहार, यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ यूपी, यहाँ छत्तीसगढ़ और यहाँ उड़ीसा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यह है कर्नाटका, और इसकी राजधानी है बेंगलुरु, और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1956 में, और यहाँ कुल 31 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कन्नड़, और इसके जो करंट सीएम है वो है बसवराज एस बोम्मई, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और यहाँ की जो फेमस डांस है वो है कुटारी, सुग्गी, कुनीथा, लांबी और भी बहुत है। और फेस्टिवल है मकर संक्रांति, ये तो बहुत ही कॉमन ही है, आएगा नहीं, उगाड़ी, कराग और यह है कनकदास जयंती। और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो मैं बता देता हूँ, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ तेलंगाना, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ केरला, यहाँ गोवा और यहाँ अरेबियन सी होता है। और यहाँ की जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मैं बता दे रहा हूँ, भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दूसरा है बंदीपुर नेशनल पार्क, और तीसरा है नगरा होल नेशनल पार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस है आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं नेक्स्ट केरला, और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और ये फॉर्म किया गया था 1956 में। और जो इसके सीएम है वो है पिनरई विजयन, और गवर्नर है अरिफ मोहम्मद खान। और इसकी जो फेमस डांस है वो ओट्टम थुलल और मोहनी अट्टम, मोहनी अट्टम एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फेमस फेस्टिवल है वो है ओनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो है यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ तमिलनाडु और यहाँ लक्षद्वीप है। और जो यहाँ के फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आ सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप। तो देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और इसकी राजधानी है भोपाल, और ये भी फॉर्म किया गया था 1956 में, और यहाँ टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ के जो करंट सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है मंगू भाई चग्गन भाई पटेल। और यहाँ के जो फेमस डांस है वो है जावरा मटकी अडा, और ये देख लीजिएगा मांच, ये इंपॉर्टेंट है। और फेस्टिवल यहाँ के इंपॉर्टेंट है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल और मालवा उत्सव। और यहाँ के जो फेमस नेशनल पार्क है वो मैं बता दे रहा हूँ, ये आते हैं आपको, बंधा वर्ग नेशनल पार्क, दूसरा है कान्हा नेशनल पार्क, और तीसरा है पेंच नेशनल पार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ यूपी है, यहाँ गुजरात, यहाँ छत्तीसगढ़ और यहाँ महाराष्ट्र। तो देखते हैं नेक्स्ट, महाराष्ट्र और इसकी राजधानी है मुंबई, और विंटर में इसे विंटर की राजधानी बोला जाता है नागपुर को। और इसके जो करंट सीएम है वह है उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और ये फॉर्म किया गया था 1960 में, और यहाँ कुल 36 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मराठी। और यहाँ का एक बहुत ही फेमस फोक डांस है जिसे हम कहते हैं तमाशा, ये फोक डांस है। और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ देखिए लावणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत है। और जो फेमस फेस्टिवल है यहाँ की गणेश चतुर्थी, ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे, तो ये देख लीजिएगा। और इनके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ गुजरात है, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ तेलंगाना, यहाँ कर्नाटका, यहाँ दादरा नगर हवेली इस साइड में आ जाता है, और ये अरेबियन सी है। और यहाँ की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वर्ली पेंटिंग। और एक यहाँ का नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं छोड़ दिया था, वो है तदोबा धारी टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट, मणिपुर और इसकी राजधानी है इम्फाल, और ये फॉर्म किया गया था 1972 में, और गवर्नमेंट ने 1980 से 2004 तक इसे डिस्टर्ब एरिया घोषित करके रखा था ड्यू टू इंसर्जेंसी एंड इंटर एथनिक वायलेंस। और यहाँ कुल 16 डिस्ट्रिक्ट है, और इनके जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है ला गणेशन। और यहाँ के जो फेमस डांस हैं वो है डोल चोलम, पुंग चोलम, राउखाट, मणिपुरी। और जो फेमस फेस्टिवल है वह कूट फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और मैं एक आप बता देता हूँ, जैसे कि यावसंग और वादो पहोई। तो देखते हैं यहाँ इनके जो नेबरिंग स्टेट या कंट्री है वो यहाँ पे नागालैंड, यहाँ आसाम, यहाँ म्यांमार और यहाँ मिजोरम। तो देखते हैं नेक्स्ट, मेघालय और इसकी राजधानी है शिलोंग, और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 1972 में, और यहाँ कुल 12 डिस्ट्रिक्ट है। और इसे वेटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, लगभग 470 इंच यहाँ एनुअल रेनफॉल होती है, इसलिए ये वेटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया है। और यहाँ के सीएम है कॉनराड सांगमा, और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और यहाँ के जो फेमस डांस है वो है नॉमक्रेम, लाहो, बाला एक्सेट्रा,
और फेस्टिवल है यहाँ के, नोंगकम फेस्टिवल और सात सुरका फेस्टिवल और भी हैं, वो आप देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, सात सुकरा फेस्टिवल। और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स या कंट्री हैं वो है, यहाँ पे आसाम है, यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ मणिपुर है। तो देखते हैं नेक्स्ट, मिजोरम, और इसकी राजधानी है ऐजवाल, और इसके जो सीएम है वो है जोरम थांगर, और गवर्नर है डॉक्टर हरी बाबू खामपति। और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 1987 में, और कुल यहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ के जो फेमस डांस है वो है खेराव डांस, खुल्लम, और भी है जैसे पारलम, खानतम। और जो फेमस फेस्टिवल है वो है छापसरकुट फेस्टिवल। और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो है यहाँ पे मणिपुर, यहाँ त्रिपुरा, यहाँ बांग्लादेश हो जाता है, और यहाँ म्यांमार। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मिजो और इंग्लिश। तो देखते हैं नेक्स्ट, नागालैंड, और इसकी राजधानी है कोहिमा, और ये फॉर्म किया गया था 1963 में, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और यहाँ टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ के जो करंट सीएम है वो है नेफ्यू रियो, और गवर्नर है जगदीश मुखी, और यहाँ के जो फेमस डांस है वो है चोंग खाइलवा और लिम नूरालिम। और फेस्टिवल है यहाँ की हॉर्नबिल, ये सबसे फेमस फेस्टिवल है। ये क्वेश्चंस भी आता है कि हॉर्नबिल किस स्टेट की फेस्टिवल है, तो आपको नागालैंड करना है। और यहाँ के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ म्यांमार, यहाँ मणिपुर और यहाँ आसाम। तो देखते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा, और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो करंट सीएम है वो है नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 1936 में, और यहाँ कुल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ के जो फेमस डांस है वो है सावरी, ओडिसी, छाऊ, मुनारी। मुनारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओडिसी ये देख लीजिएगा। और यहाँ के फेमस फेस्टिवल है रथ यात्रा, नुआखाई, और यह कोणार्क फेस्टिवल, और भी यहाँ पे। और यहाँ की एक फेमस आर्ट है वो मैं बता रहा हूँ, पत्ता चित्र आर्ट, यह यहाँ की बहुत फेमस आर्ट है। और इनके जो नेबरिंग स्टेट है वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ झारखंड और यहाँ छत्तीसगढ़। तो देखते हैं नेक्स्ट, पंजाब, और इसकी राजधानी है चंडीगढ़, और ये फॉर्म किया गया था 1966 में, और यहाँ कुल 23 डिस्ट्रिक्ट है। और इसके जो सीएम है वो है चरणजीत सिंह चन्नी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ की जो फेमस डांस है वो है भांगड़ा, दाफ, किकली, और जो फेस्टिवल है वहाँ की टिक्का, होला मोहल्ला, ये बहुत फेमस है, और लोहरी। और इनके जो नेबरिंग स्टेट्स है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर का है कुछ रीजन, यहाँ पाक प्रोविंस है, फिर यहाँ राजस्थान है, यहाँ हरियाणा, तो यही है। तो देखते हैं नेक्स्ट, राजस्थान, और इसकी राजधानी है जयपुर, और इसके सीएम है वो है अशोक गहलोत, और गवर्नर है कलराज मिश्रा। और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 1949 में, और यहाँ टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है। और इसे लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया भी बोला जाता है, और बहुत 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 बार क्वेश्चन भी आता है कि लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया कौन सा है, तो आपको करना है यहाँ पे राजस्थान। और यहाँ के जो फेमस डांस है वो है घूमर, बहुत ही फेमस है, चकरी, गंगोर, सुइसनी, ये। और जो फेमस फेस्टिवल है वो है कैमल फेस्टिवल, कोलायत फेस्टिवल और गंगौर फेस्टिवल। और यहाँ के जो फेमस नेशनल पार्क हैं जो कि क्वेश्चन आते हैं वो है रणथाम्बोर नेशनल पार्क, और दूसरा है सरीखा
नेशनल पार्क। और इनके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ हरियाणा, यहाँ यूपी, यहाँ एमपी, और यहाँ गुजरात, और यहाँ पाकिस्तान के आसपास। तो देखते हैं नेक्स्ट, सिक्किम, और इसकी राजधानी है गैंगटॉक, और इसे लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट भी बोला जाता है इंडिया का। और ये फॉर्म किया गया था 1975 में, और इसके जो सीएम है वो है प्रेम सिंह तामंग, और गवर्नर है गंगा प्रसाद, और जो यहाँ की फेमस डांस है वो है सिंगी छम और तामंग सेलो, ये सब देख लीजिए। और फेस्टिवल है इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल और साग दावा। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, और यहाँ कुल 4 डिस्ट्रिक्ट है। और जो यहाँ के नेबरिंग स्टेट्स हैं वो यहाँ पे, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो जाता है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, यहाँ चाइना के प्रोविंस आता है, और यहाँ पे भूटान। तो देखते हैं नेक्स्ट, तमिलनाडु, और इसकी राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के जो सीएम है वो है एम के स्टालिन, और गवर्नर है आर एन रवि, और जो यहाँ का फेमस डांस है वो है भरतनाट्यम। बहुत आता है ये क्वेश्चन। और कोलट्टम, कावड़ी, ये सब तो उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन और यहाँ के जो फेमस फेस्टिवल है वो है पोंगल और थाईपोसम, तो ये सब देख लीजिएगा। और तमिलनाडु फॉर्म किया गया था 1956 में, और कुल यहाँ 38 डिस्ट्रिक्ट है। और इसके जो नेबरिंग स्टेट है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ कर्नाटका, यहाँ केरला, यहाँ पुदुचेरी। तो देखते हैं नेक्स्ट, तेलंगाना, और इसकी राजधानी है हैदराबाद, और ये फॉर्म किया गया था जून 2014 में, और इसके जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर है डॉक्टर तमिलीसाई सौंदरराजन। और डांस यहाँ का जो फेमस है वो है घुसाड़ी डांस, और ट्राइबल धीमसा डांस, और लंबाडी डांस, और फेस्टिवल है भातुकम्मा बोनालू, और यहाँ पे देख लीजिए ये। और जो इसके नेबरिंग स्टेट हैं वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और यहाँ कर्नाटका, और कुल यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है। तो देखते हैं नेक्स्ट, त्रिपुरा, और इसकी राजधानी है अगरतला, और इसके जो सीएम है वो है बिलाप कुमार देव, और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के जो फेमस डांस है वो है बिजू डांस, मोग डांस, व्या डांस, और जो फेस्टिवल है वो है कराची पूजा, त्रिपुरेश्वरी टेम्पल फेस्टिवल। और ये स्टेट फॉर्म किया गया था 1972 में, और यहाँ कुल 8 डिस्ट्रिक्ट है। और इसके जो नेबरिंग स्टेट या कंट्री है वो यहाँ पे है मिजोरम, यहाँ मणिपुर, और यहाँ बांग्लादेश। तो देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, और इसकी राजधानी है लखनऊ, और ये फॉर्म किया गया था 1950 में, और यहाँ कुल 75 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ की जो फेमस डांस है वो है नौटंकी, रासलीला, जैटा, और यहाँ के जो फेमस फेस्टिवल है वो है ब्रह्मोत्सव और रामनवमी। रामनवमी बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है यूपी में, ये देख लीजिएगा। और यहाँ का एक नेशनल पार्क फेमस है वो है दुधुरा नेशनल पार्क। और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ नेपाल हो जाता है, यहाँ बिहार, यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ राजस्थान, और यहाँ मध्य प्रदेश। तो ये है, और टॉप में यहाँ पे नॉर्थ में हो जाता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। तो नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड, और इसकी राजधानी है देहरादून, और भरारीसैंण समर कैपिटल है इसकी, और इसके जो सीएम है वह पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और ये बना था 2000 में, सन 2000 में ये फॉर्म कराया गया था, और यहाँ कुल 13 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और
यहाँ जो फेमस डांस है वो है गढ़वाली, छपेली, रासलीला, और जो फेमस फेस्टिवल है वो है बसंत पंचमी, नंदा देवी फेयर और उत्तरायणी फेस्टिवल। और यहाँ की जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है वो है एक राजा जी नेशनल पार्क, और एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और एक है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देख लीजिएगा। और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स है यार, वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे यूपी, और यहाँ पे चाइना का कुछ पार्ट आ जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल, और इसकी राजधानी है कोलकाता, और इसकी सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़, और ये फॉर्म किया गया था 1950 में, और यहाँ कुल 23 डिस्ट्रिक्ट है, और बंगाली यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ की एक फेमस पेंटिंग है वो है कालीघाट पेंटिंग। और यहाँ की जो फेमस डांस है वो है काथी, गंभीरा, थाली, जतरा, और फेस्टिवल है दशहरा, बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है बंगाल में, और नाववर्षा, नंदीकर नेशनल थिएटर फेस्टिवल, और वसंत पंचमी। और यहाँ का जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है वो है सुंदरबन, और बहुत बार आपने सुना ही होगा रॉयल बंगाल टाइगर, वो यहाँ ही पाया जाता है। और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो यहाँ पे है सिक्किम, यहाँ पे नेपाल होता है, यहाँ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और यहाँ पे आसाम, और यहाँ पे भूटान का कुछ पार्ट आ जाता है, और यहाँ पे बांग्लादेश। तो देखते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग यूनियन टेरिटरी में आ गए हैं। तो देखते हैं पहला यूनियन टेरिटरी वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ही गवर्न करते हैं पूरे स्टेट, मतलब यूटीज को, और ये डायरेक्टली मैनेज किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इन्हें यूटीज इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये स्मॉल इन साइज होते हैं और ये इजिली गवर्न किए जा सकते हैं बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो और इसमें दो एक्सेप्शन है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, इसमें उनके सीएम भी है वहां पे, तो मैं बताऊंगा वहां क्यों है सीएम। तो देखते हैं, फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और ये फॉर्म किया गया था 1956 में, और यहाँ कुल 3 डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें कुल लगभग लगभग या कुल 572 आइलैंड आते हैं आपके। और यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, और फेमस डांस है यहाँ का निकोबरी डांस, और फेस्टिवल है यहाँ का अयप्पा पूजा, गोकुल अष्टमी, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका, और ये आता है आपका यहाँ पे अंडमान सी आ जाता है, यहाँ बे ऑफ बंगाल। तो देखते हैं नेक्स्ट, चंडीगढ़, और इसकी मतलब ये सर्व करता है एज ए ज्वाइंट कैपिटल ऑफ टू नेबरिंग स्टेट्स, पंजाब और हरियाणा। ये दो स्टेट का राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा का, और एक यूटी भी है खुद, और इसे सेटअप किया गया था 1966 में, और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ का जो फेमस डांस है वह है गिद्दा, सामी, भांगड़ा, धंकरा और जुल्ली, और फेमस फेस्टिवल है बैसाखी। और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स है वो है पंजाब यहाँ पे, और यहाँ पे हरियाणा, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो देखते हैं नेक्स्ट, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, और इसकी राजधानी है दामन, और ये हाल ही में इसे मर्ज कर दिया गया था, पहले ये दो अलग यूटीज थे, दादरा और नगर हवेली और दामन एंड दीव। तो इन्हें 2020 में, 26 जन 20 में ये इन्हें मर्ज कर दिया गया एक साथ, और इनमें कुल 3 डिस्ट्रिक्ट है। और इसके जो फेमस डांस है वो है तरपा डांस, भावड़ा डांस, ढोल डांस एक्सेट्रा, और फेस्टिवल है यहाँ की
फेमस ड्यू फेस्टिवल, और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, यहाँ पे गुजरात। तो देखते हैं नेक्स्ट दिल्ली, और दिल्ली में सीएम भी है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कि एरिया हो जाता है जो कि गवर्न नहीं किया जा सकता है डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर से या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, इसलिए यहाँ पे सीएम को अपॉइंट किया गया है। और यहाँ के जो सीएम है वह है अरविंद केजरीवाल जी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बाजल। और यहाँ की जो फेमस फेस्टिवल है वह है फूल वालों की सैर, कुतुब फेस्टिवल, रामनवमी। और यहाँ पे आ जाता है आपका हरियाणा और यहाँ पे यूपी। तो देखते हैं नेक्स्ट लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी है कावारत्ती। और ये टोटल कंसिस्ट करता है 36 आइलैंड को, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। और ये फॉर्म किया गया था 1956 में, और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है श्री प्रफुल्ल पटेल। और डांस यहाँ का जो फेमस है वो है लावर डांडी, भांडिया एंड फुली। और जो फेमस फेस्टिवल है वो मिलाद उल नाबी और बकरीद और मुहर्रम। तो देखते हैं नेक्स्ट पुद्दीचेरी, और इसकी राजधानी है पौंडीचेरी, और इसका सीएम है एन रंगास्वामी। और ड्यू टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर ट्रीटी ऑफ सेशन 1956, यहाँ पे इसको एक अलग अलग ही लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, और यहाँ पे सीएम अपॉइंट किया गया था। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह है डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। और डांस यहाँ का जो फेमस है वो है गरादी, और फेस्टिवल लगभग ऑलमोस्ट साउथ इंडियन फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, और ये तमिलनाडु के बॉटम में है पुडुचेरी। और इसे फॉर्म किया गया था अगस्त 16, 1962 को। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ है तमिल, मलयालम और तेलुगु। तो देखते हैं नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, और इन्हें प्रपोज किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को एज ए यूनियन टेरिटरी। और यहाँ कुल 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। और यहाँ के फेमस डांस है कुट डांस, धूमल डांस, भांड पाथर, बच्चा नगमा, और यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ के फेमस फेस्टिवल है वो है गुरेज, सिकरा फेस्टिवल, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी, दोगरी और हिंदी। और यहाँ का जो एक फेमस नेशनल पार्क है वो मैं बता दे रहा हूँ, हेमिस नेशनल पार्क। और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पंजाब, यहाँ पाक पाक का कुछ एरिया आता है, और यहाँ चाइना का। तो यही है। तो देखता हूँ नेक्स्ट लद्दाख, और ये इसे भी प्रपोज किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को एज ए यूटी। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। यहाँ का जो फेमस डांस है वो है हेमिस सिचू, लोसर, छम। और जो फेस्टिवल यहाँ का फेमस है वो है टकटुक फेस्टिवल, डेमोस्ची फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल, माथो नारंग एक्सेट्रा यहाँ पे है। और यहाँ कुल 2 डिस्ट्रिक्ट है, और ये नियर बाय एरिया में बताता ना, यहाँ पे लेक कारगिल है, यहाँ पाक का कुछ एरिया, यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमाचल और यहाँ तिब्बत है। तो मैंने बहुत फास्टली इसे कंप्लीट किया है, तो होप कि आप अंडरस्टैंड कर सको, और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा इस पीडीएफ से आपको कुछ लर्न करने में, और होप आपको एग्जाम में ये हेल्पफुल रहे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।